बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद। गर्मियों में फेस को फ्रेश और वाइट रखना बहुत मुश्किल है। अगर हम कुदरती मास्क और सीरम इस्तेमाल करें तो गर्मियों में भी हमारा चेहरा फ्रेश और ख़ूबसूरत नज़र आ सकता है। मेरी आज की रेमेडी वाइटनिंग सीरम है, जो बहुत ही बनाना आसान है और किचन में मौजूद चीज़ों से हम इसे बना रहे हैं। इस सीरम से चेहरे पर जो निखार और ख़ूबसूरती आएगी वो नेचुरल होगी और हमेशा रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, मगर इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मुफीद और मालूमाती वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। इस सीरम को बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है हाफ आलू, हाफ लीमू और हाफ ही टमाटर। टमाटर को पहले चॉप कर लें। हमें इसका 1 टेबल स्पून जूस चाहिए। इसके बाद आलू को भी चॉप कर लें और इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा छान लें। इन दोनों का हमें कम से कम 2 टेबल स्पून जूस चाहिए। इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करें। ये देखें, ये कम से कम 2 टेबल स्पून मेरे पास जूस आ गया है आलू का और टमाटर का। अब इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करें और इसमें हाफ लीमू डाल दें। कम से कम 1 टीस्पून लेमन जूस ज़रूर डालें। ये तीनों चीज़ें गर्मियों में चेहरे को लाइट करती हैं और चेहरे के दाने और दाग भी ख़त्म करती हैं और चेहरे के खुले मसाम को टाइट करती हैं। ये सीरम आप रोज़ाना बनाएं और लगाएं। इसको इकट्ठा बनाकर भी किसी शावर बोतल में डालकर फ्रिज में रख लें। जब भी किचन में काम करना शुरू करें पहले अपने चेहरे और हाथों पर लगा लें। इंशाल्लाह चंद ही दिनों के इस्तेमाल से आपका चेहरा सुर्ख और सफ़ेद और बेदाग हो जाएगा। इसको दिन में कई बार लगाएं, रात को सोते वक्त भी इसको लगा सकती हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।